नमस्कार, हिंदी आचार्य चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे निबंध स्वच्छता अभियान। तो चलो बच्चों शुरू करें। स्वच्छता का अर्थ होता है सफाई। सफाई रखना तो हर व्यक्ति की नैतिक जिम्मेवारी होती है, परंतु सब लोग इस जिम्मेदारी को दिल से नहीं निभाते। बहुत ही शर्म की बात है कि लोग अपना घर तो साफ रखते हैं, लेकिन अपने घर से कूड़ा निकालकर गली में, सड़क आदि पर फेंक देते हैं। यह भी नहीं सोचते कि यह देश भी तो हमारा अपना घर ही है। इस देश की सफाई की जिम्मेदारी भी तो हमारी अपनी ही है। कोई पड़ोसी थोड़ी ही इस देश को साफ रखने के लिए आएगा, यह काम भी तो हमें ही करना पड़ेगा। गांधी जी का भारत को स्वच्छ बनाने का भी एक सपना था, जिसे गांधी जी पूरा नहीं कर सके। उन्हीं के इस सपने को पूरा करने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया। इस दिन से हर साल 2 अक्टूबर वाले दिन भारत के सभी नागरिक अपने आसपास की सफाई करते हैं। लोग खुले में शौच ना करें, इसके लिए भी लाखों ही शौचालय भी बनाए गए हैं। सफाई रखने के महत्व की नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से भी लोगों में जागरूकता फैलाई गई। कोई भी सरकार भारत जैसे बड़े देश जिसकी आबादी भी बहुत अधिक है कि सफाई की जिम्मेदारी अकेले नहीं ले सकती। जब तक भारत के सभी नागरिक इस काम में अपनी भागीदारी ना दें, इसीलिए हम सबको मिलजुल कर स्वच्छता अभियान चलाना चाहिए। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको स्वच्छ भारत अभियान का यह निबंध पसंद आया होगा। पूरा वीडियो आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।